जैसा कि मेरे बारे में परिचय करा गया, मैं मूल रूप से इंडोनेशिया जकार्ता का रहने वाला हूं। पढ़ाई लिखाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन से करने के बाद 1987 तक चर्च और उसके अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत देश एवं विदेशों में मैं मिशनरीज का कार्य कर रहा था। हिंदू चिंतन को न मैं जानता था न मैं मानता था। इस चिंतन को देखने समझने और परखने के बाद और बल्कि चर्च के अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र को काफी लंबे समय से उन्हीं के कठपुतली के तरह नाचने के बाद देश एवं विदेश में मैं मिशनरीज का कार्य कर रहा था। 1987 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उससे जुड़े हुए तमाम स्वयंसेवी संगठनों को देखने समझने के लिए चर्च द्वारा भेजा गया था। हिंदू दर्शन हिंदू चिंतन को देखने समझने और परखने के बाद हिंदुत्व तो राष्ट्रीयत्व तो है। इस राष्ट्रीयत्व तो विचारधारा को अपनाने के साथ साथ फ्रॉम सोलोमन टू सुमन कुमार आई गॉट myself कन्वर्टेड एंड फॉर द लास्ट 21 years मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक और वर्तमान में हिंदू जागरण मंच का प्रदेश संगठन मंत्री का दायित्व तो मेरे को सौंपा गया। भारत हमारी माँ है, भारत हमारी माँ है, माता का रूप है प्यारा और करना इसी के रक्षा ये कर्तव्य है हमारा। ओ भारत के वीर जवानों, ओ भारत के वीर जवानों, माँ का कर्ज चुका देना, कटे फटे इस मानचित्र को अब की ठीक बना देना। मैंने इस कटे फटे मानचित्र के बारे में आपके सामने इसलिए उल्लेख किया कि काफी लंबे समय तक हमारे वेद हमारे पुराण हमारे ग्रंथ हमारे मान हमारे सम्मान हमारे इज्जत हमारे आबरू पर लगातार लोग प्रहार कर रहे हैं और वो प्रहार इसलिए कर पा रहे हैं कि हम जवाब नहीं देते हैं, हम जवाब देने के शायद स्थिति में नहीं है और कुछ लोग तटस्थ बने हुए हैं। बड़ी मुश्किल से मिली है आजादी, बड़ी मुश्किल से मिली है आजादी, इसे हम खोने नहीं देंगे और देश में रह रहे गद्दारों को हम चैन से जीने नहीं देंगे। गूंज उठी हर घाटी है, गूंज उठी हर घाटी है, चंदन इस देश की माटी है। इस माटी को मस्तक पे लगाने के साथ साथ हमारे आपका एक नैतिक जिम्मेवारी बनता है। भारत हमारी माँ है, माता का रूप है प्यारा, इसको हमने कर्म भूमि देव भूमि मोक्ष भूमि और पुण्य भूमि कहा है। हम जिएंगे तो इसके लिए और मरेंगे तो इसके लिए। देश का ये भाग्य, देश का ये भाग्य अपने सोच लो। भलाओ जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। कोई चलता पदचिन्हों पर, कोई चलता पदचिन्हों पर, कोई पदचिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में दुनिया में पूजा जाता है। ऐसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ परंपरा और परिपाटी के लोग आज आपके बीच में आए हुए हैं। हमारे वेद हमारे पुराण हमारे ग्रंथ हमारे मान हमारे सम्मान के ऊपर ईसा और मूसा के लोग लगातार प्रहार कर रहे हैं। हमें इनके मंसूबों को समझना पड़ेगा। मित्रों अब लड़ाई हर मोर्चे पर हमें लड़ना ही पड़ेगा। हमारे विचार हमारे संस्कार श्रेष्ठतम है, हमारा दर्शन हमारे चिंतन यह श्रेष्ठतम है, लेकिन जब हम इस श्रेष्ठतम दर्शन और चिंतन के लिए विचार नहीं करेंगे, जब हम हिंदू समाज को संगठित नहीं करेंगे, और आज ये जितने भी प्रॉब्लम्स आपको गिनाए जा रहे हैं ये धर्मांतरण ये महापाप है और इस पाप को हमें रोकना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूं सिर्फ रोको और टोको से काम न चले तो इन मानसिकता को हमें ठोकना पड़ेगा। जिस तरह से मैंने प्रायश्चित्व कर अपने आप को सुधारने का प्रयास किया, आज धर्मांतरण करके और धर्मांतरण को षड्यंत्र बना करके सेवा के आड़ में पूरे समाज को मतांतरण करने का ठेका कुछ लोग लिए हुए हैं। सेवा के आड़ में समाज को मतांतरण कर रहे हैं। ये केवल मतांतरण नहीं है, ये राष्ट्रांतरण है। इस राष्ट्रांतरण को हमें रोकना पड़ेगा। मित्रों चर्च का जो मूल मकसद है वो है धर्मांतरण, और सिर्फ धर्मांतरण नहीं, एक एक व्यक्ति को विचारों से आचारों से व्यवहारों से संस्कारों से जिन लोगों को हमने जोड़ा था आज उन्हीं लोगों को वो तोड़ने का चेष्टा कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं ये पोप एंड द पेपल किंगडम नहीं, ये पाप एंड द पेपल किंगडम का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को हमें चिन्हित करना पड़ेगा।
चर्च का जो अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है उसमें मतांतरण के लिए वो तीन हथकंडे अपनाते हैं। सेवा के आड़ में समाज को मतांतरण कर रहे हैं मिशन विद्यालय द्वारा। मैं तो अभिभावकों को अलर्ट करने के लिए आया हूं कि जाने अनजाने में आप अपने जिगर के टुकड़े को जो कॉन्वेंट विद्यालय में पढ़ाते हैं तो क्षमा करिएगा, वहां राम और लक्ष्मण लव और कुश पैदा नहीं होंगे, वहां तो मार्क्स मैकोले और मरियम पुत्र निर्मित हो जाएंगे। इसलिए आज हमें जागरण करने की आवश्यकता है। भारत जागृति मोर्चा द्वारा हिंदू समाज का जागरण करने के निमित्त आज हम आपके बीच में आए हुए हैं। इसलिए आप अपने आप को पहचानिए। जिस तरह से हनुमान जी को जगाने के लिए जामवन प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट की रोल, आज उसी तरह से इस समाज के जागरण करने के लिए भारत जागृति मोर्चा आपके बीच में आए हुए हैं। इसलिए उस मनसेट को समझिए, उस वैल्यूज को समझिए। और मैं तो कहता हूं ये समय की मांग है कि एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला, ताकि वो भी क्या समझेगा पड़ा किसी से पाला, इस पाला को समझने और समझाने की बारी है। जय हिंद, जय श्री राम। संपूर्ण भारत में छोटी सी उम्र में ही भागवत और रामायण पर अपने सत्संग देने का कार्य इन्होंने शुरू किया, जो कि बनारस से हमारे बीच पधारी हैं। आपसे मैं निवेदन करता हूँ, युग विभूति साध्वी सरस्वती देवी जी, इन्हें मैं यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ कि वे अपने सत्संग के द्वारा हमें आनंदित करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय आप सभी लोग एक बार बड़े प्रेम के संग और उत्साह के संग आगे, तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सभी ने बता दिया है कि जयकारा कैसे लगाया जाता है। तो सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके और मुट्ठियां बांध के सभी लोग बोलेंगे मेरे संग तेजी से। सभी लोग तैयार हैं? जय जय श्री राम। अभी आवाज नहीं आई आपकी। देखिए, ये कार्यक्रम ही इसलिए रखा गया दोपहर को कि सभी लोग भोजन करके आए। जय जय श्री राम। इतनी आवाज नहीं आ जानी चाहिए, पूरे छिंदवाड़ा में गूंजनी चाहिए। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान दूर दराज से पधारे हुए सभी संतगण और मंच पर विराजमान परम पूज्य संत ब्रह्मचारी जी महाराज, अन्य संतगण, और आज सम्मेलन हुआ है, संत सम्मेलन। और ऐसा संत सम्मेलन कि भागवत महापुराण में एक श्लोक आता है कि नहम्यानि तीर्थानि न देवा मृच्छिमालया ते पुनन्ति रुक्कालेन दर्शना देव साधवा नाग्ने न सूर्यो न चा चंद तारका न भूर्जंखो ससनो अथवांग मनः। केवल मिट्टी की पत्थर